बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद सुरू। माय नेम इज सुरू। आज मैं दिल्ली के अंदर ही हूँ और मैंने सोचा क्यों ना दिल्ली के अंदर ही वीडियो बनाया जाए। आज तो आपने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स अलॉट। ठीक है गाइस, तो आज बड़ा अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छा वेदर है। बड़ा अच्छा सा आइडिया आया, आप सोच नहीं सकते आज मैं कहाँ जाने वाला हूँ। आज मैं आपको लेके चलता हूँ गांधी जी के म्यूजियम में। ठीक है गाइस, तो अभी हमारा सफर यहाँ से तय होता है। मैं मेरे को यहाँ से सीधा निकलना है। मैं आपको डेस्टिनेशन गाइड कर दूँगा कि मैं कहाँ कहाँ से किस किस रूट से जा रहा हूँ। तो अभी हम चलो चलते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए और हेलमेट पहन के प्लीज जाना गाइस। सीपी का एरिया है, यहाँ पे चलान बड़ी जल्दी होता है। ठीक है गाइस, तो अभी बस मैं तो गाइस जर्नी हो चुकी है स्टार्ट। आप यहाँ से चलते हैं, मुझे फॉलो करो फटाफट। मैं बस नेक्स्ट टाइम एक चाणक्यपुरी के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, और चाणक्यपुरी की हिस्ट्री के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो वो वीडियो भी प्लीज़ मेरी लाइक करिएगा। और उससे पहले मैं एक वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, दैट इज़ अ सरप्राइज़। तो उस सरप्राइज़ के लिए प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो लेट्स गो। ये है ITO की रेड लाइट, यहाँ से अब गांधी जी का जो म्यूजियम है वो थोड़ा सा दूर है। तो इस रेड लाइट से कुछ रह गया है कुछ रास्ता 15-20 मिनट का। तो बस यहाँ की जो अगली वाली जो रेड लाइट है उस रेड लाइट से हमें राइट टर्न लेना है, और उससे अगली वाली जो रेड लाइट है वहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है। तो बस मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता यहाँ से कैसे है। मैंने जो रेड लाइट है ITO की वहाँ से मैंने राइट टर्न ले लिया है। इससे आगे जो बस आएगी उससे ITO है, पुलिस हेडक्वार्टर सामने है। तो अभी जो इससे आगे जो रेड लाइट आने वाली है उससे आपको लेफ्ट लेना है, और लेफ्ट लेते ही आपको अगली जो रेड लाइट है उससे उससे बिल्कुल कॉर्नर पे ही है, बिल्कुल कॉर्नर पे, कहीं नहीं जाना आपको। अगर आप मेट्रो से भी आ रहे हो तो ये देखो मेट्रो स्टेशन पीछे का बिल्कुल जस्ट पीछे है। यहाँ से आप पैदल भी जाओगे अगर, तो यहाँ से सिर्फ आपको 10 मिनट भी लगेगी। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, ये सामने जो है ये राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय है, नेशनल गांधी म्यूजियम। ये फर्स्ट वाली उधर से है, यहाँ से भी आप एंटर अंदर कर सकते हैं। फ्री पार्किंग है, चाहे कार हो, आप ट्रक लेके आओ, हवाई जहाज लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, बिल्कुल फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। तो इसकी एंट्री यहाँ पे आ गई है, तो इस एंट्री से हमें बस अंदर जाना है, और उसके बाद हम देखते हैं कि अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, वो मैं आपको अपनी वीडियो में कवर करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, ये है राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय। भवन का उद्घाटन भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, जो हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं। तो उन्होंने इसको किया था 30 जनवरी 1961 को, इसको बनवाया था। तो बेसिकली 30 जनवरी से मतलब जो है वो शहीदी का दिन कहा जाता है, जिस दिन गांधी जी को गोली मारी थी। तो एंट्रेंस है, उस एंट्रेंस के अंदर जाके मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा गांधी जी के बारे में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, प्लीज़ नॉलेजेबल भी होगी, स्टूडेंट्स जो हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। आप जो बड़े लोग हैं जो घर से नहीं निकल पाते हैं, प्लीज़ यहाँ फ्री एंट्री है, खाना मत बोलना यार प्लीज़। ठीक है गाइस, चलो फिर अंदर का रुख करते हैं। अब फ्री ब्रेकफास्ट में मैंने समोसे लिए, समोसों के साथ सब्जी है और चाय है। तो यहाँ के ये समोसे और सब्जी बिल्कुल खाना, प्लीज़ एक बार खाना। तो बस मैं फटाफट से खाना खाता हूँ और फिर अंदर जाता हूँ। ये एंट्रेंस है महात्मा गांधी म्यूजियम की। तो यहाँ से आप देख सकते हो सामने ही गांधी जी का स्मारक बनाया हुआ है। तो अंदर आइए ना। तो बेसिकली यहाँ पे आप आके आपको बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पे सामने थिएटर है वेयर यू कैन वॉच हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट्री अबाउट महात्मा गांधी। यहाँ पे आप आके देख सकते हैं, प्रदर्शनी कक्ष है।
तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। और ओवर हियर ये गांधी जी का जो सत्य वचन पे चलने वाला सत्य ही ईश्वर है, और गांधी जी का जो टैग है वो है चरखा, वो सब यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये बेसिकली एंट्री है। और गांधी जी को सशक्त नमन, एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है उनको प्यार से लोग बोलते थे बापू। तो ये उनके जो लवर्स हैं उनसे प्यार करते हैं, उन लोगों ये चिट्ठियाँ हैं उन्होंने लिखा हुआ है। और यहाँ से आप ले सकते हैं गांधी जी के बारे में जो भी यहाँ पे डिटेल्स हैं, ये सारे पेपर्स आप अपनी लैंग्वेज में आप यहाँ पे ले सकते हैं। उर्दू हो गया, उर्दू, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, देश की जितनी भाषाएं हैं उन सारी भाषाओं में आपको ये अवेलेबल हो गया। तो यहाँ से अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे साफ सफाई कम करते ये राइट साइड ये लाइब्रेरी है जस्ट ओवर देयर। एंड अब यहाँ से रास्ता ऊपर चढ़ा है बेसिकली, और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सी, जस्ट इतनी से संग्रहालय ऊपर की ओर है। एंड इट इज़ अ निःशुल्क गाइड सेवा, फ्री गाइडेंस, यहाँ पे गाइड जो है वो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। तो अभी हम चलते हैं ऊपर की साइड, तो अभी हम चलते हैं ऊपर की साइड, आगे नहीं करता मैं आपको। तो ये सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे गांधी जी की, उन्होंने बनाया हुआ है लकड़ी के ऊपर, बहुत अच्छा लगता है। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट चरखा, चरखे से कैसे ये इस मशीन तक पहुँचा है जहाँ से कपड़ा बनता है, बनने की प्रक्रिया चल रही है। तो स्वतंत्रता भी आई और बहुत अच्छा भी था ये। और बेसिकली इसके बारे में रखूँ ये है सरावती आश्रम अहमदाबाद में गुजरात में है, ये गांधी जी के निवास हृदय कुंज की प्रतिक्रिया है। गांधी जी और कस्तूरबा गांधी सन 1917 में से 1930 तक रहे थे। तो बेसिकली ये साबरमती का आश्रम है बेसिकली। तो यहाँ पे गांधी जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। तो
क्या है, बिल्कुल वो कर दिया था। गांधी जी को बहुत प्रॉब्लम भी आई थी, बहुत सारे, बहुत बार वो जेल भी गए, काफ़ी बार उनको जेल में डाला गया, उन्होंने कई साल जेल में बिताए और उन्होंने अपने बारे में लिखा और फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और बहुत सारे नौजवानों को उन्होंने एक संदेश दिया और एक तरीका दिया कि मतलब कैसे वो कर सकते हैं। गांधी जी की सबसे मेरे को जो बहुत अच्छी फ़ोटो है, सी स्माइल करते हुए बहुत प्यारी लग रही है, ये आप फोटो देखिए हैं शिशु के साथ, बच्चे के साथ, और ये मीटिंग्स में हैं गांधी जी। ये गांधी जी रिटर्निंग फ्रॉम अवार्ड, राइट, एंड गांधी जी एक कपड़ा मिल के लिए जाते हुए, राइट तो मतलब ये लगा लो उनको एक इतनी बड़ी शख्सियत है। आज भी अगर आप देखो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया इज़ नोन फॉर गांधीज बेसिकली कंट्री, कि आप किस देश से हो, है ना, कहीं आप बाहर जाते हो तो इंडिया इस ऐसा नहीं कि सब सारी कंट्रीज जानती हैं, नहीं, तो बहुत सारी कंट्रीज जानती हैं, तो वो इसलिए जानती हैं कि आप गांधी के देश से हो, राइट। आपको ये बात नहीं बताओगी, बस आई एम टेलिंग यू कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो पीपल नो एज ए इंडिया कि गांधी का देश है, राइट। तो गांधी जी इतने पॉपुलर हैं आउटसाइड, एंड कार्य कक्ष है बेसिकली, जो उनका काम करने का था। यहाँ पे उनके पास पानी पीने का है, एक छोटा सा मेज है, बेसिकली कुछ भी नहीं है इधर, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं आराम करने के लिए, उनकी चप्पलें यहाँ पे रखी हुई हैं, राइट। और वो हमेशा सूत काटते थे बेसिकली, तो उनका चरखा हमेशा रखा हुआ है, और कुछ किताबें हैं और बहुत ही सादा कमरा है, देखो बिल्कुल चटाई के साथ है, उस टाइम कोई फ़ैन वगैरह कुछ वो यूज़ नहीं करते थे इतना बेसिकली, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो लैंप रखा हुआ है वहाँ पर, क्योंकि रात में भी अगर उनको पढ़ना पड़े तो पढ़ते हैं, राइट। तो ये इनका है यहाँ से 1934 to 1942, जो उन्होंने लेक्चर्स दिए, सुभाष चंद्र बोस जी से मिले, राइट, मतलब बहुत ज़्यादा जाने वाली हस्ती थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये सारी उनकी मीटिंग्स की फोटोज़ हैं, अगर आप यहाँ पे आते हैं डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट बाकी आप यहाँ पे विजिट कीजिए और एक एक सिंगल डिटेल्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। और ये जब गांधी जी उपवास किया था, सत्याग्रह का जो उन्होंने उपवास किया था, तब वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, उनका ऑपरेशन हुआ था, और उस ऑपरेशन में बेसिकली ड्यूरिंग द ऑपरेशन लाइट चली गई थी, राइट। तो उन्होंने ऑपरेशन जो किया था गांधी जी का, वो लैंप की लाइट में किया था बेसिकली। इट वॉज़ अ वेरी ट्रबल टाइम फॉर गांधी जी, उनको बड़ी परेशानी हुई थी, बट एटलीस्ट वो फिर से ठीक हुए। उनमें बहुत ज़्यादा ताकत थी, इच्छा शक्ति थी कि मुझे अपने भारत के लिए कुछ करना है। अगर उनको गोली नहीं लगी होती तो ऑलमोस्ट वो प्लस 100 ईयर्स जीते। और ये जब उनको कारागार हुई थी, दमदम केंद्र कारागार में, सुरक्षा कैदियों से मिलने के पश्चात कलकत्ता में थे ये 1939 में। सी हाउ पीपल लाइक गिविंग रिस्पेक्ट टू द गांधी जी, इज अ वेल नोन पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। यहाँ से गांधी जी के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर तो नहीं कर पाऊँगा दोस्तों, बट मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको बस बताते जा रहा हूँ यहाँ पे, जो जो मुझे बेसिकली लग रही है कि आपको आपसे शेयर करनी चाहिए। और ये सरोजिनी नायडू के साथ हैं मुंबई में, अखिल भारतीय कमेटी, जिनके यहाँ से दिल्ली में आपका बना हुआ है एम्स, और ये इनकी वाइफ हैं अजीत फोटो विद कस्तूरबा गांधी, एंड ही इज विद हिज वाइफ श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती कस्तूरबा गांधी जी। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं गांधी। सो ये गांधी जी की चप्पलें हैं, ये दया सलाई माचिस बोलते हैं, और ये हैं कैंची, एक रेजर ब्लेड, करेक्ट, और ये उनकी वॉच है, इनका एक फाउंटेन पेन है, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखो, कुछ बर्तन हैं, ये लकड़ी का सामान है, कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिले हुए हैं गांधी जी को, इनके पास ज़्यादा सामान एक्चुअली था नहीं। सो दिस इज़ ये आई थिंक उनकी वाइफ की चूड़ियाँ हैं, राइट, और उनकी माला है, बेसिकली बहुत सादा जीवन उन्होंने वो किया है। तो चलो मैं आगे दिखाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें और हैं।
ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं जो गांधी जी ने पर्सनली यूज़ करी हैं। सी रेज़र भी उधर और फिटकरी, सी कितनी बड़ी बड़ी फिटकरी रखी हुई है, राइट। सो ये थालियाँ हैं जो उन्होंने कलकत्ता में यूज़ करी थी 1947 में, आई थिंक ऑलमोस्ट आज़ादी के आसपास। तो ये इनका पानी का गिलास है बेसिकली, और कुछ ऐसे बर्तन भी हैं जो उन्होंने जेल के अंदर भी यूज़ करे थे, तो वो सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। सी ये बेसिकली जूसर है, ये उस ज़माने का काफ़ी पुराना जूसर है। और कुछ और भी चीज़ें हैं बेसिकली, और दो म्यूज़ियम हैं जहाँ की वीडियो मैं आप बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। तो ये कुछ मेडल्स वगैरह हैं जो गांधी जी को मिले हुए थे, अहिंसा सब लिखा हुआ मेडल है बेसिकली ये वाला, अगर मैं इसको ठीक से करवा रहा हूँ। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, मीनिंग्स वैसे ही देख के पता लगती है कि मतलब चरखा बना हुआ है हाथ जोड़े हुए, मीन्स इट इज़ कॉल्ड अहिंसा, है ना, कि मतलब आप बिल्कुल ही छोड़ देना अहिंसा। और ये गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका के अंदर फिनिक्स आश्रम भवन है। सी गाइस, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका को इतना मोटिवेट किया हुआ है गांधी जी ने। अभी भी आप अब जाओगे ना दक्षिण अफ्रीका, दे आर वेरी ग्रेटफुल टू द गांधी सर। ट्रांसपोर्टेशन का इतना वो था नहीं, तो बेसिकली गाड़ियाँ भी कम हो चुकी, पैदल बेसिकली यात्रा करते थे। डांडी यात्रा भी उनकी काफ़ी पॉपुलर है। ये उनका अंतिम समय था 1947 टू 30 जनवरी 1948 जब गांधी जी का लास्ट डे था, जिसका यहाँ पर। तो आने वाली दो वीडियोज और मैं फटाफट अपलोड करूँगा आपके लिए गांधी जी की। टैगोर जिन्होंने हमारे देश को एक बहुत ही बड़ा राष्ट्रीय गीत हमें दिया हुआ है चढ़गनमन, उसको मैं पूरा नहीं गा सकता बिकॉज मुझे स्टैंडिंग करना पड़ेगा और ये मेरे काफ़ी लोग मुझे, बट आई रिस्पेक्ट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को ये लेटर लिखे हुए यहाँ पे। और ये गांधी जी के बारे में बेसिकली जब गांधी लिखी, सो दिस इज़ अ लास्ट मोमेंट ऑफ गांधी जी। ये सारी चीज़ें भी गांधी जी की पेंटिंग थी। ये है मतलब जो भी इनके सामान होते हैं गांधी जी के, और यहाँ पे आप देख लिए ये अगर तो ये गांधी जी के कपड़े वगैरह हैं। तो ये बिल्कुल पीस प्लेस है बेसिकली, यहाँ पे गांधी जी को पीस बड़ा पसंद था। तो गांधी जी के कुछ कपड़े हैं इधर, ये कुछ लेटर्स जो कपड़े पे टाइप किए हुए हैं, और ये उनकी शॉल है, और बेसिकली वो झंडा जो अशोक चक्र से पहले हुआ करता था कांग्रेस का, सो ये वो झंडा है। और ये यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स आपको गांधी जी के बारे में मिल जाएंगी बेसिकली। तो ये पूरा हॉल है, यहाँ पे पूरी नॉलेज भरी पड़ी है, स्टूडेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं अपनी नॉलेज गेन करने के लिए बेसिकली। तो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेस है ये। और सामने है मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट अ मैसेज विच हैव गिवन बाय गांधी सर। ये इनका बेसिकली है, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, राइट। तो ये गांधी जी के तीन बंदर हैं, और यहाँ पे है इनका बेसिकली, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, माय लाइफ इज़ माय मैसेज। और ये गांधी जी का क्या के लास्ट जो जो लास्ट डे था, उस दिन जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, ये वो कपड़े हैं जो आज भी खून से सने हुए हैं। और ये वो वॉच है जो गांधी जी के पास थी लास्ट टाइम में, और ऊपर एक शॉल जो है वो शॉल भी उनकी पूरी खून से सनी पड़ी है। और वो सामने जो रखी हुई है बापूजी को जो गोली लगी थी, दिस इज़ द बुलेट जो उनके सीने में लगी थी, ये वो बुलेट है। तो सामने उनकी अस्थि कलश भी वैसे ही रखे हुए हैं। तो ये उनका मैसेज है।
और ये वो फ़ोन है जहाँ पे आप गांधी जी की हार्ट बीट सुन सकते हैं, राइट। तो प्लेस इज वेरी ऑसम एंड ये जो मैसेज है ये इनको मिला था बेसिकली अमर संत एवं दयालु भाव के लिए चाइना से। फटाफट आपको कुछ पेंटिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ गांधी जी की, बहुत ही यूनिक जो उनको गिफ्टेड मिली थी, ये तांबे से बनाया हुआ है बेसिकली वुड के ऊपर, राइट। बहुत ही यूनिक आर्ट्स हैं जो गांधी जी को यहाँ पे मिली हैं। तो गांधी मतलब अलग देश के अलग अलग लोगों ने उनको बना के भेजी है बेसिकली, देश ही नहीं विदेशों से। सो ये सब आर्ट्स हैं जो गांधी जी को मतलब दर्शाया गया है, जिन पे बनाया गया है। ये भी पूरा इट इज़ अ वायर डिज़ाइन बेसिकली, और ये अपनी वाइफ के साथ, ये मार्बल का बना हुआ है बेसिकली। सो ये सारी एक ये पूरी एक आर्ट गैलरी है जो उनके चाहने वालों ने उनके उनको बना के यहाँ पे उनको गिफ्टेड की थी, और अभी संग्रहालय में बिल्कुल सेफली सेट हैं सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं। सो ये सब गिफ्टेड है बेसिकली गांधी जी को, डेडिकेट किया हुआ है उनको, सी हियर। सो दिस फोटो हैज़ अ मैसेज कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और गांधी जी को गोली लगी पड़ी है, वो सबको एक करके गए हैं। दिस इज़ अ मेन मोटिव, ऊपर पीछे चर्च है, मंदिर है और गुरुद्वारा भी है, राइट, मस्जिद भी है, और ये गांधी जी की फोटो, और दिस इज़ अ वेरी यूनिक आर्ट। तो गाइस हम अंदर से इन करके मैं आउट आ चुका हूँ, यहाँ पे सत्याग्रह के बारे में बताया गया, सत्याग्रह बेसिकली ढूंढने के लिए सिंपल है बेसिकली। सो ये पूरा मैसेज है, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसकी फोटोग्राफ्स ऐड कर दूँगा। सो तो मेरे शब्दों का भारत, सो ये भी एक मैसेज है गांधी जी का, एंड दिस इज सामाजिक पाप है जो बेसिकली हमें नहीं करनी चाहिए, इनसे बचना चाहिए, जो गांधी जी की नज़रों में एक बहुत बड़े पाप है। तो इसका इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ट्रांसलेट किया गया, राइट। सो गाइस म्यूजियम को देखिए, आप म्यूजियम देखने के बाद बेसिकली आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री मूवी देख सकते हैं, कोई नहीं आता है। इट इज़ नॉट लाइक इतनी बोर्ड प्लेस है यार, ये बोर्ड नहीं है, इट इज़ अ फन, ठीक है। ये फन में भी ले सकते हो और नॉलेज भी लेंगे आप, ठीक है, राइट। आप इंडियन हो, आप इंडिया के बारे में, दिस इज आइंस्टाइन, सब ने गांधी जी की पढ़ाई करी है, इंडिया के या वर्ल्ड के जितने भी बड़े लोग हैं सब ने गांधी जी के बारे में पढ़ाई करी है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगा, आप एक नेल्सन मंडेला, सबने गांधी जी से बहुत बड़ी प्रेरणा ली है, हर बंदे ने, ये आप देख लीजिए जितने भी लोग हैं सब बड़े बड़े लोग हैं, इन सबने गांधी जी से प्रेरणा ली हुई है। तो आप क्यों ले सकते हैं, मैं फ्री डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ है, चलो थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए, बाकी डेफिनेटली हमें विजिट करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक बार जरूर आओ। तो म्यूजियम से हम बाहर आ गए, तो पहले मैंने सोचा था कि कैंटीन जाएंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे माइंड से निकल गई थी, तो यहाँ से मैं उसको कवर अप कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी गाइस, लेकिन प्लीज़ एंड तक वॉच करनी है सबने, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ बेसिकली जो साबरमती का आश्रम है, तो मैं उत्तर पापा को लेकर जा रहा हूँ, तो अब चलते हैं, देखते हैं अंदर कैसा व्यू है और अंदर क्या है। मैं भी वहाँ पर फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम विजिट किया था, बस मैं अंदर नहीं जा पाया था, तो अभी मैं अंदर।
साबरमती का आश्रम राइट अहमदाबाद में है। ये गांधी जी का कमरा था, लॉक्ड है, अंदर से इसको दिखाया नहीं गया। और ये गांधी जी की यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह लगाई गई और गांधी जी एक्चुअली फास्टिंग करते थे, तो उनके फास्टिंग का पूरा वो मैटेरियल लिखा हुआ है। और ये गांधी जी की सारी फोटोज हैं बाहर। Wow, beautiful, really beautiful, right? So यहाँ पे ये हैं टक्कर बाबा, so जेसी कुमारपा, ये सारे जो लोग हैं ना, जो ये गांधी जी के सब सहायक थे, ये हरिजन लड़की के साथ थे। इन्होंने छुआछात को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था, हरिजन लड़की के साथ है लक्ष्मी नानो बच्ची का। ये कस्तूरबा गांधी जी का कमरा है, इसको भी लॉक किया गया है। ये मेहमानों के लिए कमरा है, इसमें लॉक किया गया, बिल्कुल रात्रि का है, मेरा रहे और ये देखें काका खाली का, ठीक है। ये छोटा सा इसमें बगीचा ऐसा बनाया हुआ है, तो इसमें उनके बाद बगीचे का ज़्यादा खुशी हो गया। और इस तरफ मैं आपको दिखा दूँ जमुना लाल बजाज, ठीक है। निजी सचिव का कमरा, ये भी लॉक है, कमरे लॉक है बेसिकली, बट मॉडल बिल्कुल सेम है। ये विनोबा भावे, अब्बास, तेजबी, ये इनका रसोई घर है बेसिकली, जहाँ पर खाना वाना बनता था। ये काका काली का, ठीक है। और ये जिनके देख रेख में है साबरमती के प्रबंधक हैं बेसिकली। सो गाइस, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं बेसिकली, ग्रैफी का ही मेरे से छूट गया था, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, यहाँ पे दिखा दी हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप यहाँ पे विजिट ज़रूर करोगे प्लीज़, बिकॉज ये दिल्ली में है और आपको यहाँ पे विजिट करना चाहिए। तो गाइज, ये यहाँ की कैंटीन है, अभी थोड़ा सा पानी पानी हो रहा है, बहुत बढ़िया कैंटीन है, तो यहाँ पे आप खाना ज़रूर खाना। मैंने आप दिन में समोसे खाए थे, समोसे और उसकी सब्ज़ी बहुत बेहतरीन है, वो ज़रूर खा देना। और ये भैया आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, शॉप के ऑनर हैं बेसिकली, तो यहाँ पे चाय बड़ी अच्छी मिलती है, समोसे और सब्ज़ी बड़ी अच्छी मिलती है। भैया आप यहाँ पे कितने साल से? 20 साल। ये देखो यहाँ पे 20 साल से हैं यहाँ पे, और आपका नाम क्या है? आलोक जैन, आलोक जैन इनका नाम है। तो आप यहाँ पे विजिट कर रहे हैं अगर, तो आपको ये यहाँ पे मिल जाएंगे भी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपने नॉलेज ली है और इंडिया के बारे में, गांधी जी के बारे में और हमारे देश के बारे में कुछ भी थोड़ा सा भी सीखने को मिला है आपको, वीडियो अगर पसंद आई है, म्यूज़ियम कैसा लगा आपको वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। और ये आइडिया कैसा लगा कि मैंने एक ऐसा प्लेस डिस्कवर किया जहाँ पर कोई आना ही पसंद नहीं करता बिल्कुल बिल्कुल भी, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग आओ यहाँ पे विजिट करो और दूसरों को भी बताओ कि यहाँ पे ये प्लेस है, यहाँ पे विजिट करना है, राइट। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और साथ में अगर मेरी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन चाहिए आपको तो प्लीज़ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना। और मैं गांधी जी की और भी वीडियोज़ बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, राइट। सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Like my videos and channel, please do subscribe and please do support it. Okay, bye guys, thank you so much.